हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन अड्डा आप सभी बच्चों का एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म पर स्वागत है तो कैसे हैं आप सभी बच्चे जरा बताओ जरा मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई तैयारी कैसी चल रही है आप सभी बच्चों का मेरे लाल पीले नीले हरे बताइए भाई साहब बताओ मेरे लाल मेरे शेर मेरे चीते ठंडी कैसी है सर्दी कैसी है भाई यहां तो बहुत जबरदस्त है <laughs> यहां बड़ा ठंडा है मेरे लाल पीले नीले <laughs> बताइए आवाज आ रही है आप सभी बच्चों को हाँ बताओ रमीज रजा निधि जाबिर इरम अफजल जिकरा रमीज चलो बढ़िया है अगर आप सभी बच्चों का तैयारी एकदम सही चल रहा है तो ऑल गुड आवाज़ आ रही है आप सभी बच्चों को चलो आवाज़ भी आप लोगों का सही लग रहा है भाई बहुत बढ़िया भाई साउंड भी एकदम मस्त चल रहा है मलाई चल रहा है देखिए मेरे शेर बच्चे थोड़ा सा लैग हो रहा है इसको हम ठीक करते हैं इसको हम ठीक कर देते हैं अभी ठीक किए देता हूँ थोड़ा सा इशू हो जाता है कभी कभार तो परेशानी वाली बात नहीं है ओके सही चल रहा है भाई एक सेकेंड एक सेकेंड चलो चलिए भाई ठीक है तो आज हम लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वो भी कौन सा साइंस का चैप्टर डिफरेंट लाइफ स्टाइल आज हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर से कितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो आते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हर साल हर साल देखेंगे कि किस किस साल में किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है आपको किस तरीके से पढ़ने की जरूरत है आपका इसका प्रैक्टिस सेशन भी आप लोगों को करा दिया गया है है हाँ ना अब पी वाई क्यू देख लेते हैं और भी हम आप लोगों को बताएंगे थोड़ा सा लैग यहाँ पे हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं इतना चलेगा इतना नॉर्मल है ठीक है चलिए तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं आपके पास बहुत कम वक्त बचा है 12 जनवरी यहाँ पर हो गया है यानी कि इस महीने का अठारह दिन बचा हुआ है और उस महीने का अट्ठाईस दिन बचा हुआ है तो समझ लो कि छियालीस सैंतालीस अड़तालीस दिन आपके पास बचा हुआ है तैयारी करने के लिए क्योंकि मार्च में ही एग्जाम हो जाएगा मेरे शेर मार्च में ही एग्जाम हो जाएगा तो उस हिसाब से यह बैच डिजाइन किया गया है चैंपियन बैच जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन कीजिए बहुत मामूली सा फीस है सिर्फ और सिर्फ सिक्सटीन हंड्रेड सोलह सौ रुपया में पूरा कंप्लीट बैच मिलेगा इसमें नोट्स मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे लाइव प्रैक्टिस सेशन होगा मॉक टेस्ट होगा वीकली टेस्ट हो रहा है सारी चीजें आपको मिल रही हैं बस आपको एक कदम बढ़ाना है बैच लेना है और तैयारी शुरू करना है अब सोचना नहीं है बच्चा क्योंकि सोचने का समय समाप्त हो चुका है अब कुछ करने की घड़ी है हम लोग तैयारी करेंगे ठीक है चलिए तो देखो भाई मेरे शेर बच्चे जो भी लेना चाह रहा है चैंपियन बैच एजुकेशन अड्डा प्लस ऐप जो है आप लोग डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप लॉगिन कीजिए पेड कोर्स में जाइए और क्रैश कोर्स में जाइए और क्रैश कोर्स में जैसे ही जाइएगा आपको आपका बैच दिख जाएगा चैंपियन बैच और फिर उस चैंपियन बैच को ज्वाइन करके तैयारी शुरू कीजिए ठीक है तो यहां पर देख लो कौन सा चैप्टर लेकर के आए हैं मेरे ललुआ कौन सा चैप्टर चैप्टर का नाम है डिफरेंट लाइफ स्टाइल और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आज हम आपके लिए यहां पर एक नया चीज लेकर के आए हैं इसको जरा आप देखिएगा यानी कि आपका जो एग्जाम होगा मेरे शेर बच्चे वो ओ शीट पर होने वाला है आपको लिखने के लिए नहीं दिया जाएगा आपको एक क्वेश्चंस दे दिया जाएगा और साथ ही साथ ये ओ एम आर शीट दे दिया जाएगा आपको आंसर इसी पे करना है तो इसको भी तो फिलअप करना पड़ेगा ना इसको अच्छी तरीके से फिलअप कीजिएगा तभी आप सेलेक्टेड होइएगा इसमें अगर गड़बड़ी हो गया तो भैया बहुत मुश्किल है तो बहुत मुश्किल है तो आज इसको भी देखेंगे आज इसको भी देखेंगे मेरे शेर बच्चे और ये मैंने खुद बनाया है ये ओ एम आर शीट यूनिवर्सिटी वाला कहीं पर भी अपलोड नहीं करता है भाई तो खुद ही हमने इसको डिजाइन किया है और आज ही किया है बहुत मेहनत लगा है लगभग एक घंटा डेढ़ घंटा से दो घंटा लग गया हमको इसको डिजाइन करने में तो मेहनत रंग लाई है है ना और आपके सामने ये ओ एम आर शीट जो है मौजूद है इसमें क्या क्या फील करना है क्या क्या फील नहीं करना है वो समझना है क्या क्या गलती नहीं करना है वो समझना है क्योंकि आपका एग्जाम इसी पर होगा मेरे शेर बच्चे है ना गौर से देख लीजिए इसको हाँ यही आएगा यही इसी तरह का पेपर सेम टू सेम हु और आपके सामने हो है। हु आएगा इसी तरीके का रहेगा आपका शीट देखो यहां पर सबसे पहले क्या क्या चीजें यहां पर दिया गया है मेरे शेर बच्चे देखो क्या क्या चीज है क्या लिखा हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट आंसर शीट यही है यही आपको दिया जाता है एग्जाम शुरू होने से पंद्रह मिनट पहले दे दिया जाता है और फिर आपको पंद्रह मिनट का समय दिया जाता है इसको अच्छी तरीके से पढ़ करके इसको फिल करने का ताकि इसमें जो भी एंट्री आप करें गलत ना करें अगर गलती हुआ तो भैया आपका चेक ही नहीं होगा कॉपी है ना तो फिर जब चेक ही नहीं होगा तो फिर नंबर कहां से मिलेगा आ रही बात समझ में आप देखिएगा गौर से क्या क्या चीज भरना है क्या लिखा हुआ है प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड ऑन द बैक ऑफ द ओ एम आर आंसर शीट बिफोर फिलिंग इससे पीछे पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया कि कैसे कैसे आपको करना है क्या क्या चीजें करना है हालांकि हम आपको यहां पर बता देते हैं ठीक है यहां पर पीछे वाला नहीं यहां पर आगे वाला है जिसपे आपको आंसर करना है देखो यहां पे नंबर वन में लिखा हुआ है नेम ऑफ द कैंडिडेट यानी कि आपका अपना नाम लिखना होगा कैपिटल लेटर में किस लेटर में कैपिटल लेटर में इस ब्लॉक में जैसे कि मेरा नाम शादाब परवेज है तो हम यहां पर लिखेंगे इस तरीके से चलिए स्टार्ट करते हैं एस एच ए डी ए बी दो नाम है मेरा शादाब परवेज तो एक बॉक्स बीच में गैप छोड़ देंगे फिर यहां से लिखेंगे परवेज पी ई -E आर डब्ल्यू ई -E जेड बस हो गया इतने में किसी को दिक्कत है आपको कुछ दिन आप रुक जाइए एक दो हफ्ते बाद आपको आ, आप लोगों के लिए ओ एम आर शीट भी अवेलेबल हो जाएगा ऐप पर वो आप जो है उसको मंगवा सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए यहां पर हम आपको एक मॉड्यूल दिखा दे रहे हैं कि किस तरीके से है ओके सर पेन से या पेंसिल से भाई पेन से पेन से बॉल पेन से जेल पेन से भी नहीं बॉल पेन से आपको करना है पेंसिल से तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा पेन से करना है ठीक है चलिए अब दो नंबर पे आ जाते हैं इस वाले कॉलम में आ जाते हैं इसमें लिखा हुआ है फॉर कैंडिडेट ओनली यानी कि ये सिर्फ आप ही फिल कर सकते हो है ना और क्या लिखा हुआ है सिग्नेचर विथ डेट यानी आपको साइन करना है सिग्नेचर करना है डेट के साथ और सिग्नेचर आप शॉर्ट फॉर्म करते हो वो नहीं पूरा नाम लिखेंगे पूरा नाम लिखेंगे सिग्नेचर और फिर डेट भी लिखेंगे जिस दिन आपका एग्जाम होगा जैसे मान लो कि आज ही के दिन एग्जाम है हम लोग आज फिल कर रहे हैं तो आज का डेट देंगे ठीक है तो यहां पर पूरा नाम सिग्नेचर करेंगे फुल सिग्नेचर तो देखो किस तरीके से कर रहे हैं और डेट लिख देंगे जैसे कि आज 12 तारीख है तो बारह जीरो वन ट्वेंटी फोर इस तरीके से हमने लिख दिया बॉक्स के अंदर ही बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अब देखो यहां पे अब तीसरे सेक्शन में जाएंगे रॉल नंबर अब बोलोगे सर रॉल नंबर क्या है तो आपका आप जब फॉर्म फिल करोगे फॉर्म जो है वो जनवरी एंड में आ जाएगा जब फॉर्म फिल करोगे उसके बाद एडमिट कार्ड आता है एग्जाम से एक या दो हफ्ते पहले एक हफ्ते दस दिन पहले जो है वो एडमिट कार्ड आता है यानी मान लो कि आपका अगर दस मार्च को एग्जाम है तो एक मार्च को आपका एडमिट कार्ड आ जाता है और उस एडमिट कार्ड में उस एडमिट कार्ड में आपका क्या होगा रोल नंबर होगा तो उस रोल नंबर को देख करके एडमिट कार्ड से देख करके मैच करके यहां पर बॉक्स में पहले लिखेंगे पहले बबलिंग नहीं करेंगे पहले बॉक्स में लिखेंगे मान लो कि आपका रोल नंबर है टू फोर जीरो नाइन एट वन सिक्स ये रोल नंबर है आपके एडमिट कार्ड पे तो सबसे पहले फिल कर देंगे उसके बाद बबल करेंगे जैसे कि ये टू है तो नीचे देखेंगे टू कहाँ है तो यहां पर टू है तो यहां पर बबलिंग इस तरीके से कर देंगे है ना अच्छे से बबलिंग करेंगे बाहर नहीं निकलना चाहिए फिर फोर है तो उसी लाइन में देखेंगे फोर कहाँ है तो यहाँ है तो इसको बबलिंग इस तरीके से कर देंगे है ना इस तरीके से कर देंगे फिर जीरो है तो जीरो यहीं पर आ गया तो यहां पर इस तरीके से बबल कर लेंगे अच्छे से देखना मेरे शेर बच्चे बाहर नहीं निकलना चाहिए फिर नाइन है तो नाइन यहां पर है तो यहां पर बबलिंग कर देंगे इस तरीके से ओके फिर यहां पर एट है तो एट यहां पर बबलिंग कर देंगे ठीक उसी के नीचे वाले लाइन में देखेंगे फिर यहां पर वन है तो वन यहां पर बबल कर देंगे इस तरीके से चलो बहुत बढ़िया फिर ये सिक्स है तो सिक्स यहां पर बबल कर देंगे ऐसे ठीक है गलती अगर हो गया दूसरे में बबल कर दिया तो भाई रोल नंबर भरने में गलती नहीं करना है रोल नंबर बबलिंग में गलती नहीं करना अगर गलती हो गया तो कॉपी चेक नहीं होगा पहली बार हम बता देते हैं साफ साफ बता देते हैं इसीलिए आपको यहां पर दिखाया गया इसीलिए आपको ओ एम आर शीट दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए ताकि आप 10 बार 20 बार प्रैक्टिस कर लो वहां गलती ही ना हो और यह वीडियो यहां पर अच्छे तरीके से देखो ठीक है तो यहां पर सबसे पहले बॉक्सेस में रोल नंबर लिखेंगे ऐसा नहीं कि टू लिखा फिर किया फोर लिखा फिर नहीं पूरा रोल नंबर लिखेंगे और ठीक उसके नीचे नीचे बबलिंग कर देंगे उसी तरीके से ये वाला कॉलम चार नंबर कॉलम में दिया गया है एप्लीकेशन नंबर ये एप्लीकेशन नंबर आपके ये एडमिट कार्ड पर रहता है जिस तरीके से एडमिट कार्ड में रोल नंबर है उसी तरीके से एडमिट कार्ड में एप्लीकेशन नंबर भी होता है तो उस एप्लीकेशन नंबर को भी एडमिट कार्ड से देख करके लिख लेंगे मान लीजिए यहां पर होगा वन फोर सिक्स जीरो सेवन थ्री टू ये है तो पहले लिख लेंगे फिर बबल करेंगे तो यहां पर वन है तो वन यहां पर बबल कर दिया ठीक है फिर क्या है फोर है तो फोर यहां पर बबल कर दिया फिर सिक्स है तो सिक्स यहां पर बबल कर दिया फिर उसी तरीके से जीरो है तो जीरो यहां पर बबलिंग कर दिया हमने फिर सेवन है तो सेवन यहां पर बबलिंग कर दिया गलती नहीं करेंगे मेरे शेर बच्चे इन सब चीज में गलती नहीं होना चाहिए थ्री है तो थ्री सारा मेहनत बेकार हो जाएगा थ्री यहां पर बबलिंग कर दिया मिटाने उठाने का यहां पर अ टू टू यहां पर बबलिंग कर दिया मिटाने का यहां पर कोई केस ही नहीं एक बार हो गया तो हो गया मिटा नहीं सकते हो अगर मिटा दोगे कट कर दोगे तो भाई फिर एक्सेप्ट ही नहीं करे क्योंकि ये मशीन द्वारा चेक होता है सर कहाँ एडमिट कार्ड कहाँ मिलेगा अरे भाई पहले फॉर्म आएगा फॉर्म भरोगे एग्जाम से दस दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा वेबसाइट से उससे डाउनलोड करना पड़ता है उसका प्रिंट निकलवाना पड़ता है वो सारी चीजें आपको बताएंगे तो ये चार कॉलम आपको समझ में आ गया अब ये वाला जो कॉलम है यहां पे लिखा हुआ है फॉर इनविजिलेटर ओनली तो ये आपको नहीं फिल करना है ये आपके एंट्रेंस हॉल में जो टीचर आते हैं गाइड करने के लिए वो फिल करेगा यहां पर आपका रोल नंबर आपको नहीं करना है। ये रूम नंबर भी आपको नहीं लिखना है ठीक है यहां साफ साफ लिखा हुआ है फॉर इनविज है ना इनविजिलेटर ओनली आपके लिए नहीं है ये ना ही ये वाला कॉलम है ठीक है अब यहां पर आते हैं क्वेश्चन बुकलेट नंबर पंद्रह मिनट के बाद आपको क्वेश्चन बुकलेट मतलब क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और क्वेश्चन पेपर के ऊपर में क्वेश्चन बुकलेट नंबर होता है उस क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर को देख करके यहां पे लिख लेंगे फोर थ्री टू जीरो वन मान लो यही लिखा हुआ है तो ये यह यहां पे लिख लेंगे इस तरीके से देख देख करके लिखेंगे अपने मन से कुछ भी नहीं भर देंगे और जहां पर आपका सेंटर जाता है और आप लोगों का मालूम है कि आप लोगों का टेस्ट सेंटर अलीगढ़ ही जाएगा अलीगढ़ में जिस भी स्कूल में सेंटर जाएगा उसका कुछ ना कुछ कोड होता है है ना मान लीजिए कि आपका कोई स्कूल में चला गया और इस स्कूल का कुछ अपना कोड है मान लो थ्री फोर वन जो है ये कोड है उस सेंटर का तो वो सेंटर कोड जो है लिखना है आपके एडमिट कार्ड में सेंटर कोड रहता है तो उस एडमिट कार्ड से सेंटर कोड देख करके लिख लेंगे फिर बबलिंग कर लेंगे ये थ्री है तो यहां पर थ्री बबलिंग कर लिया हमने ये फोर है तो यहां पर फोर बबल कर लिया इस तरीके से और ये वन है तो यहां पर वन बबल कर लिया क्लियर मेरे शेर बच्चे अब उसी तरीके से यहां पांचवा नंबर में है जेंडर जेंडर क्या है अगर मेल है तो यहां पे एम लिख देंगे अगर फीमेल होगा तो एफ लिख देंगे और मेल पे यहां पे बबल कर देंगे इस तरीके से इस तरीके से बबलिंग कर देंगे हो गया ठीक है उसी तरीके से क्वेश्चन पेपर का सीरीज होता है मान लो क्वेश्चन पेपर सीरीज है सेट ए है सेट बी है 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 सी डी अगर इस तरीके से और आपका ए आ गया तो ए यहां पे लिख देंगे इस तरीके से और ए पे क्या कर लेंगे बबल कर देंगे अगर सीरीज है तो ठीक है फिर यहां पे स्टेटस है इंटरनल या एक्सटर्नल अब देखो इंटरनल क्या होता है जो बच्चे वो एएमयू में पहले से ही पढ़ रहे हैं और वो बच्चा सिक्स एंट्रेंस का एग्जाम दे रहा है तो वो इंटरनल हो गया लेकिन जो बच्चा का कोई वास्ता नहीं है पहली बार एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है उसमें एडमिशन लेने के लिए एमयू में एडमिशन के लिए तो वो बच्चा एक्सटर्नल कहलाएगा जैसे कि आप लोग हो एक्सटर्नल हो तो यहां पे ई लिख देंगे और एक्सटर्नल पे क्या कर देंगे बबल कर देंगे इस तरीके से बबलिंग कर देंगे आ गया समझ में ये पूरी तरीके से हमने अच्छी तरीके से सारा एंट्री हम लोगों ने भर दिया फिलअप कर दिया इसमें गलती नहीं होना चाहिए मेरे शेर बच्चे नेम इज अफान अली ओके अफान अली इतनी बात समझ में आया अगर समझ में आया तो इस तरीके से थम इंप्रेशन सारे बच्चे दो यही ओ एम आर शीट है यही आपका टेस्ट आंसर शीट है इसी पे आपको आंसर करना है तो ये तो आधा हमने दिखाया ये तो डेटा एंट्री किया भाई आपका इंफॉर्मेशन आपको आंसर कहां करना है तो अब नेक्स्ट उसके नीचे जो है आता है इस तरीके से आंसर शीट क्वेश्चन नंबर रहेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन उसके आगे चार ऑप्शन एबीसीडी एबीसीडी इस तरीके से रहता है ठीक है आ रही बात समझ में इस तरीके से होता है देख लो इसको गौर से देख लो सर व्हाट इज बार कोड बार कोड जगह रहता है कोई दिक्कत नहीं है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन बुकलेट आपके क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा एंट्रेंस हॉल में आपको उसके ऊपर ही लिखा रहता है उसके ऊपर ही लिखा रहता है ओके okay, मेरे शेर बच्चे ये तो मान लो मान लो कि क्या है भैया क्वेश्चन नंबर वन का आपने क्वेश्चन पढ़ा और उसका सी आंसर है तो सी पे आपको क्या करना है सी पे आपको क्या करना है बबल कर देना है सी पे क्या कर देना है इस तरीके से बबलिंग कर देना है मान लो टू का बी है तो टू पे बी कर देना है इस तरीके से बबलिंग कर देना है इस तरीके से बबलिंग कर देना है समझ आया समझ आया चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और हम जो पीवाईक्यू लेकर के आए हैं उसमें कंटिन्यू करते हैं फिर हम आपको फिल करते हुए बताएंगे फिर आपको हम फिल करते हुए बताएंगे ठीक है कैसे फिल करना है जैसे कि यहां पर आपका सवाल दे दिया गया 2023-24 में यह सवाल आया है मेरे लाल 2023-24 का सवाल लास्ट ईयर का सवाल है 2023-24 में दो क्वेश्चन पूछा है इस चैप्टर से और पहला क्वेश्चन क्या है अ स्नेक हैज ब्लैंक हॉलो टीथ एक सांप के पास कितने हॉलो टीथ होता है टू थ्री फोर या स्नेक डज नॉट हैव एनी होलोटीथ या सांप के पास कोई हॉलोटीथ होता ही नहीं है अब इसका आंसर फटाफट फड़ बताइए सारे बच्चे इसका आंसर बताओ मेरे शेर बच्चे क्या होगा कितना क्वेश्चन आएगा देखो आपका क्वेश्चन क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है तो पचासी क्वेश्चन रहेंगे एट्टी फाइव क्वेश्चन रहेंगे आपको एट्टी फाइव ही करना है ओ एमआर शीट में आपका सौ से ज्यादा रहेगा बबलिंग तो सौ से ज्यादा बबल नहीं कर देना है पचासी है तो पचासी ही करेंगे ओके चलिए भाई बताइए तो क्या बोल रहे हो भाई ए का आ, मतलब क्या आंसर है इसका अ स्नेक हैज हॉलोटिथ क्या आंसर कर रहे हो ए आंसर कर रहे हो क्या आंसर कर रहे हो ए यानी कि टू बिल्कुल सही बोला भाई सांप के पास दो हॉलोटिथ होते हैं सांप के पास दो हॉलोटीथ थे तो, तो इसका सही आंसर क्या हो गया वन का ए हो गया क्या हो गया वन का ए हो गया तो वन का हम यहां पर क्या बबलिंग कर देंगे मेरे शेर बच्चे वन का ए ए हो हो गया गया पर हम इस तरीके से बबल कर देंगे हो गया. बस यही करना है आपको बस यही करना है आ रही बात समझ में बस यही करना है चलिए तो देखो यहां पर सांप के बारे में देखते ये देखो स्नेक यहां पर हमने लिख दिया ये दिख रहा है सांप दिख रहा है इसके पास दो हॉलोटीथ होते हैं ये दिख रहा है ना देखो यहां पे ये दिख रहा होगा ये दिख रहा होगा यही तो है तो इसके पास कितने हो गए टू टू होलो टू होलो टीथ होते हैं इसके पास आगे बात समझ में यहां पर आपको सबूत भी दे दिया हमने सांप के पास दो होलो टीथ होता है सांप के पास सही है ना टाइम कितना मिलेगा देखो भाई टाइम कितना मिलेगा दो घंटे का आप लोगों का एग्जाम होता है टू आवर्स का आप लोगों का एग्जाम होता है दो घंटे का दो घंटे में पचासी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ओ एम फिल करना है ठीक है ना फिर सबमिट करना है एग्जाम आपका एक्सपेक्टेड डेट हमने बताया कि मार्च में हो सकता है मार्च से ले, एक मार्च से लेकर के दस मार्च के बीच में आपका एग्जाम डेट आएगा समझ में आ गया तो हमने आंसर भी कर दिया चलिए आगे बढ़ते हैं तेईस चौबीस में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एन एनिमल दैट गो इन टू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन विंटर हाइबरनेशन यानी एक ऐसा जानवर है जो ठंडे का सीजन आता है तो उसमें वो लंबी नींद पे चला जाता है है ना सो जाता है उसको हाइबरनेशन कहते हैं क्या कहते हैं हाइबरनेशन तो ये हाइबरनेशन कौन कर रहा है कौन सा जानवर है कैट है मंकी है लिजार्ड है या फिश है एक और एग्जाम्पल हम आपको बता दें मेरे घर में दो कैट है तो वो तो विंटर में सो नहीं रही है तो कैट तो सही आंसर है नहीं मंकी भी नहीं है सही आंसर मछली भी नहीं है भैया तो क्या बच गया लिजार्ड लिजार्ड जो है ना ये हाइबरनेशन पे जाता है विंटर में लंबे समय के लिए वो सो जाता है क्योंकि उसके लिए वो जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है जिसमें वो जीवित नहीं रह पाता तो वो कहीं भी मान लो कि कहीं छेद सुराख है उसमें जाकर के वो सो जाएगी दीवार वगैरह में या फिर पेड़ वगैरह है तो पेड़ वगैरह में छेद होता है तो उसमें घुस करके वो सो जाती है ठंडा भर पूरा सोती है फिर गर्मी होगा तो वो उठेगी ठीक है उसको हाइबरनेशन कहते हैं क्या कहते हैं हाइबरनेशन तो क्या हो गया टू का क्या हो गया सी हो गया तो हम देख लो भैया टू का सी है तो अब हम लोग आंसर करेंगे ओ एम आर शीट पे तो टू में हम क्या लगा देंगे भाई टू में हम सी लगा देंगे क्या लगा देंगे सी लगा देंगे इस तरीके से गलती बिल्कुल नहीं करेंगे गलती बिल्कुल नहीं करेंगे गलती करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा गलती करोगे तो बिल्कुल नंबर नहीं मिला मान लो कि आपने पहले बी लगा दिया आपने पहले क्या कर दिया बी लगा दिया फिर उसको इस तरीके से काट दिया और फिर सी लगा दिया तो इस पर आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा इस पर आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा इस तरीके से करना ही नहीं है ठीक है ना चलिए तो क्या हो गया भाई टू का सही आंसर क्या हो गया सी हो गया ठीक है चले आगे चलो बहुत बढ़िया तो इसका सही आंसर है लिजार्ड अब थोड़ा सा देख लेते हैं भाई हाइबरनेशन क्या है कि हाइबरनेशन इज अ डीप स्लीप दैट हेल्प्स देम टू सेव एनर्जी एंड सरवाइव द विंटर विदाउट ईटिंग मच हाइबरनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो लंबे समय के लिए सो जाता है ताकि वो ठंडे में है ना क्या कर सके एनर्जी बचा सके बिना खाए पिए आ रही बात समझ में क्योंकि वो जो सीजन आ गया ना वो उसके लिए व्याकुल नहीं है व्याकुल का मतलब कि मतलब उसके लिए वो सटीक नहीं है उसमें वो अडेप्ट नहीं कर पा रहा है तो वो चाहता है कि नहीं भैया हम अगर नहीं सोएंगे कहीं छुपेंगे नहीं तो हम मर जाएंगे ठीक है तो बिना खाए पिए वो एनर्जी बचा करके हाइबरनेशन पे चला जाता है ड्यूरिंग हाइबरनेशन द एनिमल्स बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हाइबरनेशन के टाइम में एनिमल का जो टेम्परेचर होता है वो गिरना शुरू हो जाता है जिसकी वजह है ना जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो ज्यादा नहीं लगता उसको जीने के लिए एंड इट्स हार्ट बीट एंड इट्स ब्रीदिंग स्लो हार्ट बीट भी स्लो ब्रीदिंग भी स्लो हो जाता है जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं होता है ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं होता ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बच्चे ये देखो ये लिजार्ड है भाई ये लिजार्ड है तो ये क्या कर रहा है भाई ये हाइबरनेशन पे चला जाता है ये हाइबरनेशन पे चला जाता है कब विंटर सीजन में कब जाता है विंटर सीजन में चलिए आगे बढ़ते हैं अब 22 तेईस की बात करते हैं 22 तेईस में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल आया है इस चैप्टर से और क्या सवाल है कि द बर्ड हैविंग द बर्ड हैविंग आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड इज बोला गया कि एक ऐसा बर्ड एक ऐसा पक्षी है जिसके जिसके पास आंख है लेकिन हेड के फ्रंट में हेड के फ्रंट में जिस तरीके से हम लोगों का है एकदम फ्रंट में है उसी तरीके से बर्ड में भी किस पक्षी में फ्रंट में आई रहता है में हमिंग बर्ड में ऑस्ट्रिच में या आउल में तो इन सभी को देखो क्या सभी में आंखें फ्रंट में रहता है और या फिर इसको देखो इसको देखो इसके फ्रंट में देखो आंख है कि नहीं तो बिल्कुल है तो आउल जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर देखिए उल्लू उल्लू ये देख रहे हो फेस है एकदम फ्रंट में आई है एकदम फ्रंट में आई है आ रही बात समझ में ये देखो यह फे, पूरा फेस है ये पूरा फेस है और फ्रंट में इस तरीके से आई है आउल में आरी बात समझ में तो इसका सही आंसर क्या हो गया आउल हो गया यानी कि डी हो गया क्या सही आंसर हो गया डी सही आंसर हो गया मजा आ रहा है मेरे शेर बच्चे तो इस तरीके से इंप्रेशन जरूर देंगे सारे बच्चे पहले बता दे रहे एनर्जी जो है वो एकदम रहना चाहिए बोरियत की तरह नहीं फील नहीं करेंगे बोर फील नहीं करेंगे नहीं तो पढ़ाई अच्छी नहीं होगी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो क्या इसका सही आंसर हो गया इसका सही आंसर हो गया डी तो चलो भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डी आंसर कर देते हैं तो थ्री का क्या हो गया भैया सही आंसर डी हो गया तो डी पे इस तरीके से हम क्या कर देंगे बबल कर देंगे आगे बात समझ में इस तरीके से हम लोग करेंगे अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे शेर बच्चे देखो भैया अब बात करते हैं 21-22, 21-22 में तीन सवाल आया है इस चैप्टर से फिर वही सवाल पूछा है कि लॉन्ग डीप है ना लॉन्ग स्लीप ऑफ लिजार्ड ड्यूरिंग विंटर इज कॉल्ड थोड़ा सा उल्टा पूछ दिया उसमें बोला कि कौन सा जानवर करता है इसमें बोला कि लिजार्ड जो है वो जो लंबे समय तक सो जाती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया उस प्रोसेस को हाइबरनेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं हाइबरनेशन बोलते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो गया ए हो गया तो चलो मेरे शेर बच्चे शीट शीट पर शीट पर चलते हैं हैं और इसका इसका सही सही आंसर आंसर क्या लगा देते ए लगा देते हैं चलिए तो फोर का क्या हो गया ए हो गया मेरे लाल क्या हो गया ए हो गया ठीक है चलिए बहुत बढ़िया मेरे शेर बच्चे बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये देखो यहां पर क्या है भाई द प्लेस इन विच अ प्लांट और एन एनिमल लीव इज कॉल्ड इट्स मतलब वैसा जगह जहां पर एक प्लांट या फिर कोई जानवर रह रहा है उसको क्या कहेंगे इनवायरमेंट कहेंगे सराउंडिंग कहेंगे हैबिटेट कहेंगे या होम कहेंगे बताओ मेरे शेर बच्चे बताइए <laughs> बताइए और ये वाला सवाल नंबर फाइव है क्योंकि हम ओ के बेस पे चलेंगे है ना पांच नंबर सवाल है तो बताइए क्या होगा उसको कहते हैं हैबिटेट क्या कहते हैं जहां पर प्लांट एनिमल रहते हैं और वहीं से वो अपना न्यूट्रिशन ले रहा है वहीं अपना जीवन व्यतीत कर रहा है वहीं पर उनको सारी सुविधाएं मिल जा रही है उसको क्या बोलेंगे हैबिटेट बोलेंगे क्या बोलेंगे हैबिटेट बोलेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो गया हैबिटेट यानी कि सी यानी कि पांच का क्या हो गया मेरे शेर बच्चे पांच का सी हो गया तो सी पे इस तरीके से बबल कर देते हैं कर दिया हमने कर दिया आज हम ओएमआर बेस्ड बना रहे हैं है ना जिस तरीके से इंट्रेंस एग्जाम हो रहा है उसी तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बच्चे नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं छठे नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन का नंबर है सिक्स क्या नंबर है बर्ड द फॉलोइंग हैज आई इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड देखो भाई फिर से रिपीट क्वेश्चन कर दिया बोलेगा कि कौन सा बर्ड है जिसके फ्रंट में ही आई रहता है और अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया क्या होगा आउल होगा उल्लू होगा उल्लू के फ्रंट में आई रहता है तो इसका सही आंसर क्या हो गया सी हो गया छठा का क्या हो गया सी हो गया मेरे शेर बच्चे चलो भाई एमआर पे आते हैं ओ एम आर पे आते हैं और यहां पर सिक्स का सही आंसर क्या हो गया सी हो गया चलिए सी आंसर कर दिया सी आंसर कर दिया समझ में आया उल्लू ही है ना जिसके फ्रंट में आई अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया भी गया था चलिए सातवां नंबर सवाल पे चलते हैं मेरे शेर बच्चे यहां पर देख लो भाई ये सेवन नंबर क्वेश्चन है और ये सेवन में क्या बोला गया है कि व्हाट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ अ स्नेक सांप को आप लोगों ने देखा होगा क्या उसके पैर होते हैं क्या उसके हाथ होते हैं नहीं तो वो चलता कैसे है भाई उसके शरीर में क्या चीज होता है जो उसको मूव कराता है मूवमेंट में हेल्प करता है ऑप्शन है स्केल बी है लिम्स और सी है रिंगलिंग मूवमेंट या डी है लेग भाई पैर तो हमने देखा ही नहीं है सांप को तो ये तो होगा ही नहीं लिम्स भी नहीं देखा है तो ये भी नहीं होगा स्केल की वजह से वो मूवमेंट कर रहा है या फिर रिंगलिंग मूवमेंट बोलोगे रिंगलिंग मूवमेंट क्या है जिगजैग मूवमेंट इस तरीके से 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 ये मूवमेंट जो है ना ये जिग्जैग मूवमेंट है इसकी वजह से क्या मूवमेंट कर रहा है क्या बिल्कुल बिल्कुल इस कौन सा मूवमेंट किसकी वजह से रिंगलिंग मूवमेंट और इसको स्लीदर कहते हैं क्या कहते हैं स्लीदर रिंगलिंग मूवमेंट को क्या बोलते हैं स्लीदर कहेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो गया सी हो गया क्या हो गया सही आंसर सी आप अगर देखोगे तो यहां पर देखो स्नेक डू नॉट हैव लिम्स स्नेक के पास लिम्स नहीं होते इंस्टीट दे हैव वेरी फ्लेक्सिबल रिप्स और इसके पास रिप्स जो होते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है वो एंड ऑल्सो देयर बॉडी हैज लेयर ऑफ मसल्स बीनीथ द स्किन और स्किन के ऊपर जो है ना एक लेयर होता है मसल्स का ठीक है दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स अल्टरनेटिवली यही मसल्स कभी सिकुड़ता है कभी फैलता है

आई बात समझ में मेरे शेर बच्चे चलिए तो इसका सही आंसर क्या हुआ इसका सही आंसर सी हो गया तो सेवन का क्या हो गया मेरे शेर बच्चे सेवन का हो गया सी आंसर तो सेवन का सी कर देते हैं सी पे हम क्या कर देंगे भैया बबल कर देंगे ओ एम आर शीट पर इस तरीके से बबल कर देंगे समझ में आया देख रहे हो ओ एम आर शीट भी फिल होना शुरू हो गया चलिए अब आठवां नंबर सवाल पे जाएंगे भाई है ना आप लोगों ने देख लिया रिंगलिंग मूवमेंट कैसा होता है है ना अब ये वाला सवाल आठवां नंबर है अब देखो अ रैबिट लीव्स इन अब जो खरगोश है वो कहां होता है कहां रहता है नेचुरली की बात कर आप अगर घर में पाल करके रखोगे तो उसके लिए आप घर बना दोगे लेकिन नेचुरली खरगोश रहता कहां है हाइव में होल में बोरो में या फिर हट में बताइए आप लोगों को पता होगा सर आज नाइन्थ का नहीं है क्या नहीं बच्चा आज नाइन्थ का नहीं है ठीक है क्या होगा इसका सही आंसर तो कहां रहता है भाई बोरो में रहता है मा मतलब होल होता है इस तरीके से एक तरीके से लेकिन उसको बोरो बोलते हैं ठीक है ठीके? अब देखो यहां पे ये खरगोश है ये देखो खरगोश है इस तरीके से जमीन में छेद रहता है इसको बोलते हैं बोरो आ रही बात समझ में तो क्या सही आंसर हो गया देख रहे हो खरगोश कहां रह रहा है कहा रह रहा है भाई पूरा डिटेल आपको समझा रहे हैं क्वेश्चन किस तरीके से आता है और यह चीज अगर आप देख लोगे तो आप क्वेश्चन भूलोगे ही नहीं क्योंकि फिगर के साथ आपको समझा तो आठ का? तो का सी है तो अब आठ का सी में आंसर कर देते हैं भाई आठ का सी है आठ का सी आंसर कर देते हैं एट का सी बबल कर देते हैं ये लो भाई साहब बबलिंग कर लिया आठ का सी ठीक है अब नाइन्थ नंबर सवाल पे चलते हैं चलते हैं भाई नाइन्थ नंबर सवाल पे क्या कहता है हमारा नाइन्थ नंबर सवाल खरगोश भी देख लिया हमने चलिए यहां पर देखते हैं नाइन्थ नंबर सवाल हाउ मेनी हॉलो टिथ डू स्नेक हैव रिपीट कर रहा है क्वेश्चन देख रहे हो ना तो अगर इस सेशन को कर लोगे तो भैया इसी सेशन से क्वेश्चन आ सकता है अब बाकी हम जो कराए हैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन में वो कर लोगे तो क्वेश्चन बाहर से आएगा ही नहीं जो आपको ऐप पे पढ़ाया जा रहा है आपको लेक्चर्स अगर आपने अच्छे तरीके से ऐप पे पढ़ लिया तो क्वेश्चन बाहर से आएगा ही नहीं आ रही बात समझ में फिर वही पूछ दिया सवाल कि की कितने पा, के पास होते हैं कितने होते हैं चार होता है क्या नहीं सिक्स होता है क्या बिल्कुल नहीं एट होता है क्या बिल्कुल नहीं कितने होते हैं टू होते हैं कितने होते हैं टू होते हैं तो देखो भाई नाइन का भी सी हो गया नाइन का भी जो है वो सी हो गया तो हम ओ शीट पे क्या लगा देंगे भाई ओ शीट पे हम सी लगा देंगे नाइन्थ का सी चलिए नाइन्थ का सी हो गया बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन इसी तरीके से आपको करना है घबराना नहीं है गलती बिल्कुल नहीं करना है वो शीट में कि पहले बी लगाया फिर सी लगाया उसमें नंबरें नहीं मिलेगा आप लोगों को तो फायदा क्या होगा चलिए टेन नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे शेर बच्चे आगे बढ़ते हैं देखो यहां पे वही चीज लिखा गया है कि आई स्नेक हैज टू हॉलोटिथ है ना जिसको फैंक्स भी कहते हैं जिसको फैंग्स, उसके को क्या बोलेंगे fangs, ये देख रहे हो ना ये वाला दांत, ये वाला दांत, इसको फैंग तो तो क्या निकलता है, poison निकलता है और जिसको काटता है उसके बॉडी में चला जाता है, जिसको है उसके बॉडी में चला जाता है तो इसको फैंग भी बोलेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई देख हैं भाई क्या है भाई च ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज एम्फीबियन अब बात अब का सवाल है पांच क्वेश्चन पूछा गया है।, बोल रहा है कि कौन सा है भाई इसमें से कौन सा जानवर है जिसको एम्फीबियन कहा जाता है एम्फीबियन कहा जाता है तो एक और चीज हम बता देते हैं एम्फीबियन किसको कहते हैं वैसे जीव वैसे जानवर को कहते हैं जो जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है दोनों जगह रहता है तो वैसे जीव वैसे जानवर को क्या कहते हैं एम्फीबियन कहते हैं तो आपका रैबिट नहीं होगा सील नहीं होगा लिजाड नहीं होगा क्या होगा फ्रॉग होगा फ्रॉग जो है वो जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है इसीलिए उसको क्या बोला गया एम्फीबियन बोला गया देखो यहां पे देखो यही मेडक ये यह देख रहे हो कितना खुश है कितना खुश है इसको क्या बोलते हैं भाई एम्फीबियन बोलते हैं तो जब ये फ्रॉग जमीन पर रहता है ना तो वो लंग्स से सांस लेता है किससे सांस लेता है लंग्स से और जब वो पानी में जाता है ना तो पानी में वो गिल से सांस लेता है ठीक है इसीलिए इसमें लंग्स और गिल्स दोनों हैं। इसी ये एम्फीबियन है इसीलिए क्योंकि जगह रह सकते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो गया मेरे शेर बच्चे सी आंसर हो गया तो टेन का क्या हो गया सी हो गया टेन का सही आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा तो सी पे हम क्या कर देंगे भाई इस तरीके से बबलिंग कर देंगे कोई दिक्कत कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत है आप सभी बच्चों को नहीं होनी चाहिए चलिए तो आगे बढ़ते हैं इलेवन नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे शेर चलिए अलेवेन नंबर क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं अब यहां पर देखो इलेवन नंबर क्वेश्चन एंटीवेनम मेडिसिन ऑफ स्नेक आर मेड फ्रॉम एंटी एंटीवेनम मेडिसिन यानी कि अगर सांप काट ले तो उसके लिए मेडिसिन जो है वो किससे बनेगा सेलिवा से बनेगा सांप के लार से बनेगा या सांप के पॉइजन से बनेगा सांप के स्केल से बनेगा या सांप के ब्लड से बनेगा बताओ से बनेगा। इसका सही आंसर बताओ बताओ मेरे शेर बताइए तो उसका जो मेडिसिन बन रहा है ना उसके पॉइजन से ही बनता है उसके जहर से ही बनता है ना तो इसका सही आंसर क्या हो गया बी हो गया सही आंसर क्या हो गया बी हो गया ओके आपको बात समझ में आ गया ना ओ कैसे फिल करते हैं आप बार बार फिल नहीं करेंगे आपको बता दिया उसमें टाइम लग रहा है, है ना तो अब यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन शुरू करते हैं तो सांप का जो काटता है और उसका जो दवाई बनाया जाएगा उसके जहर से ही बनता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 19-20 में 19-20 का सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन फिर से वही पूछ दिया गया भाई एम्फीबियन का कौन सा जानवर एग्जाम्पल है भाई जो जमीन और पानी दोनों में रहता है तो मछली तो सिर्फ पानी में सांप जमीन पे कॉक्रोच जमीन पे ये दोनों जगह है भाई फ्रॉग तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रॉग हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे शेर बच्चे फ्रॉग सर आप सुन रहे हैं क्या बिल्कुल सुन रहे हैं बताओ ना बताओ क्या ए एमयू का फॉर्म कब आएगा अरे बताया तो जनवरी के लास्ट में एमयू का फॉर्म आ जाएगा और सदाब सर ही चिल्ला चिल्ला कर आपको बताएंगे ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लैंड एन एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ थ्रू बोला है कि जमीन पर एक एडल्ट फ्रॉग किससे सांस लेगा गिल से ड्राई स्किन से लंग से या किडनी से बताइए बताओ मेरे शेर बच्चे तो जमीन पर सांस लेता है लंग से अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि फ्रॉग जो है वो जमीन पर किससे सांस लेता है लंग्स से सांस लेता है नेक्स्ट क्वेश्चन द ब्रीदिंग ऑर्गेन इन फिश मछली में ब्रीदिंग ऑर्गेन क्या होता है मॉइस्ट स्किन लंग्स गिल्स यान ऑफ दीज तो आप लोगों ने देखा होगा मछली में गिल्स होता है वो गिल्स के माध्यम से ब्रीदिंग करती है मछली तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा गिल्स अगर गिल्स देखोगे तो कुछ इस तरीके से होता है ये मछली है ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है गिल कहलाता है क्या कहलाता है गिल्स कहलाता है है ना यहीं से मुंह से पानी मुंह से पानी एंट्री करती है गिल्स से निकालती है यहीं पर से पानी से ऑक्सीजन ये ले लेती है तो गिल से ब्रीदिंग करती है मछलियां फिश ओके मेरे शेर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 2019-20 का सवाल है एनिमल दैट इट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश और अदर एनिमल आर कॉल्ड वैसा जानवर जो फ्लैश भी खा रहा है प्लांट प्रोडक्ट भी खा रहा है और दूसरे जानवर को भी खा जा रहा है वैसे जानवर को क्या बोलेंगे कार्नी वोर बोलेंगे हरबी वोर बोलेंगे ओमनी वोर बोलेंगे पैरासाइट बोलेंगे तो आपको हम बता देते हैं कि हरबी बोर बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाता है कार्नी वोर बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाता है फ्लैश खाता है है ना पैरासाइट जो होता है वो किसी लिविंग होस्ट पर आता है और उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेता है आरी बात समझ में लेकिन ओमनी वोर जो है वो सारा चीज खा लेता है ना चाहे वो प्लांट हो गोश्त हो या कुछ भी तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी है इसका सही आंसर क्या होगा सी होगा चलिए कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं मेरे लाल पीले नीले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 उन्नीस में सिर्फ एक ही सवाल पूछा है द एनिमल विच कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर बोथ आर नोन एज देख लो एक ही तरह का सवाल हर साल पूछता है आपका एकदम कॉन्फिडेंस आ गया होगा अरे भाई इतना इजी सवाल आ रहा है और आपको तो ऐप पे बहुत बेहतरीन तरीके से चैप्टर भी पढ़ा दिया गया आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दिया गया और ऊपर से पीवाईक्यू भी करा दिया जा रहा है अब क्या चाहिए आप लोगों को अब बस ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे है ना और जो नए बच्चे हैं जो अभी तक जुड़े नहीं है जुड़ जाइए कुछ ही समय बचा है कुछ ही वक्त बचा है मार्च में एग्जाम है तो इस जो आपका ये जो पैंतालीस से छियालीस सैतालीस दिन जो भी बचा है ना इसमें आप पूरे अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं और अगर आप अभी ज्वाइन करेंगे सब चीज आपको मिलने वाला है ठीक है तो इसका सही आंसर क्या होगा जो जमीन और पानी दोनों में रहता है उसको क्या कहते हैं एम्फीबियन कहते हैं और इसका एक एग्जाम्पल भी है भाई फ्रॉग है सेलेमेंडर है ये सब एम्फीबियन है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रसेल वाइपर करैत आर द नेम ऑफ अब तीन नाम है रसेल वाइपर करैत और अफाई ये किसके नाम है हेन के हॉर्स के डॉग के या स्नेक के बताओ बताओ बच्चा बताइए मेरे शेर किसका नाम है भाई तो ये सांप का नाम है ये सांप का वेराइटी है रसल वाइपर करैत और अफाई और अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके ये देखो ये रसल वाइपर है ये रसल वाइपर है और ये क्या है ये करायत है ये करायत है है ना? अफाई का पिक्चर हम नहीं लगा लगाए यहां पर लग नहीं रहा था जगह नहीं था लेकिन ये रसल वाइपर ये करैत ये सांप के अलग अलग फॉर्म है अलग अलग वेराइटी आपको देखने को मिल जाएंगी ठीक है देखा है किसी ने किसी ने देखा है करायत को किसी ने देखा है रसल वाइपर को बताओ सेशन करने के बाद आपको बहुत ही एनर्जी मिलेगा बच्चा आप लोगों को है ना इतना मजेदार तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है अब देखो सत्रह अठारह में तीन क्वेश्चन पूछा गया है बर्ड्स डू नॉट है पूछा जा रहा है है ना विंग्स नहीं 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 होते बीक नहीं होते फेदर नहीं होते बीक फेदर स्केल्स नहीं होते तो चिड़िया के पास तो विंग्स होते हैं चोच भी होता है पंख भी होता है स्केल नहीं होता मछली है क्या जो स्केल होगा तो इसका सही आंसर क्या होगा डी होगा सही आंसर क्या होगा मेरे शेर बच्चे डी होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच वन इज नॉट लैंड एनिमल यानी जमीन पर रहने वाला कौन सा जानवर नहीं है ऑक्टोपस क्रोकोडाइल इसने क्या स्क्वायरल जमीन पे रहने वाला कौन सा जानवर नहीं है यह पूछा जा रहा है मेरे शेर तो भाई ऑक्टोपस क्रोकोडाइल पे भी जमीन पे रहता है सांप भी स्क्वायरल भी ये ऑक्टोपस जमीन पे नहीं रहता मेरे शेर बच्चे सिंपल सी बात है आप लोगों ने देखा होगा पानी में रहता है ऑक्टोपस ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अ टेड पोल जिसको बेबी फ्रॉग बोलते हैं ब्रीथ थ्रू वो जो है सांस कैसे लेगा एक और चीज हम बता देते हैं एम्फीबियन जो होते हैं वो पैदा होता है पानी में और जब पानी में पैदा होता है तो पानी में कुछ दिन रहेगा तो जैसे फ्रॉग है फ्रॉग का अंडा और स्पम दोनों पानी में मिक्स होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और पानी में ही डेवलपमेंट होता है पानी में ही वो क्या बनेगा टेडपोल तो उसमें स्टार्टिंग में गिल्स होता है क्या होता है गिल्स जिससे वो पानी में सांस ले पाता है ठीक है तब वो एडल्ट होगा मैच्योर होगा फ्रॉग होगा तो वो जमीन पर भी रह सकता है लेकिन पहले वो पानी में रहता है तो गिल्स से सांस लेता है किससे सांस लेता है गिल्स से सांस लेगा आ रही बात समझ में चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इंसेक्ट हैव इंसेक्ट कीड़े के पास कितने पेयर लेग होते हैं भाई टू पेयर लेग दो जोड़ा तीन जोड़ा आठ जोड़ आठ लेग होते हैं या आठ जोड़ा लेग होते हैं बताइए तो जितने भी कीड़े होते हैं उसके पास फोर पेयर लेग होते हैं कितने पेयर ले लेग होते हैं फोर पेयर लेग होते हैं यानी कि कितने लेग होंगे आठ लेग होंगे कितने लेग होंगे आठ लेग होंगे यहां पे बोला गया है कि भाई नहीं 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 आठ लेग नहीं होता सॉरी 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 आठ लेग होता है लेकिन एक स्पेशल केस में होता है ऐसे आपका कितना होता है थ्री पेयर लेग होते हैं कितने पेयर लेग होते हैं थ्री पेयर यानी छ लेग होते हैं सिक्स लेग होते हैं थ्री पेयर लेग आठ लेग होता है एक स्पेशल केस है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा आपको देखो ये स्पाइडर स्पाइडर में सिर्फ और सिर्फ होते हैं है ना स्पाइडर में देखो ये एक दो तीन चार पांच छ सात आठ स्पाइडर में बाकी सब में छमें बाकी सब में ठीक है बाकी सब में ये स्पाइडर में, में मेरे शेर बच्चे ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ह्यूमन बींग्स आर हम लोग क्या है ओमनी वोर्स कार्निवोर्स हर्बीवोर्स या नन ऑफ दीज देखो हर्बीव जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं कार्निवोर्स जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाते हैं Omnivore जो दोनों खाते हैं तो हम लोग तो सब कुछ खा लेते हैं है ना तो इसका सही आंसर क्या है ओमनीवोर सही आंसर क्या होगा ओमनी है मनुष्य जो है मानव जो है वो ओमनी सर्वाहारी कहेंगे क्या कहेंगे क्या सर्वाहारी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्नेक्स मूव विद द हेल्प ऑफ फिर वही बात बोला गया है स्नेक किसकी मदद से मूव करता है लेग की मदद से स्केल की मदद से लिंब की मदद से या फिन्स की मदद से बताइए बताइए तो स्केल मूव करता है स्केल के मदद से ही और स्केल की मदद से वो कौन सा मूवमेंट बनाता है रिंगलिंग मूवमेंट बनाता है जिसको स्लिदरिंग कहते हैं है ना इस प्रोसेस से वो स्नेक जो है वो मूवमेंट करता है तो स्केल उसके बॉडी पे होता है लेग नहीं होते लिम नहीं होते फिंस नहीं होता मछली है क्या जो फिन होंगे है ना चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइनी ट्यूब इन साइड द लेग आर कॉल्ड लेग के अंदर जो टाइनी ट्यूब पाया जाता है उसको क्या कहते हैं कैटेपिलर ब्रोंकाई डिलीवरी ट्यूब या टेस्ट ट्यूब बताओ बताओ मेरे शेर बच्चे उसको बोलते हैं ब्रोंकाई क्या बोलते हैं ब्रोंकाई तो इंसेक्ट में जो ब्रीदिंग होता है ना वो ब्रोंकियल सिस्टम से होता है कौन सा सिस्टम से ब्रोंकियल सिस्टम से यह पतले पतले ट्यूब होते हैं है ना ब्रोंकियल सिस्टम से ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एनिमल्स दैट फीड बोथ ऑन प्लांट्स एंड द फ्लैश एंड द फ्लैश फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर आरकोल्ड फिर से रिपीट किया गया क्वेश्चन एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है वैसा जानवर जो दोनों खा रहा है प्लांट भी फ्लेश भी तो उसको क्या बोलेंगे उसको ओमनी बोलेंगे क्या बोलेंगे ओमनी बोलेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लॉन्ग डीप स्लीप ऑफ एनिमल ड्यूरिंग विंटर इज नोन एज फिर से वही रिपीट कर दिया गया क्वेश्चन लंबे समय तक सोना विंटर सीजन में लंबे समय तक मतलब पूरा विंटर सीजन इज हो जाना उसको क्या कहेंगे भाई हाइबरनेशन बोलेंगे क्या बोलेंगे हाइबरनेशन बोलेंगे देख रहे हो ना देख रहे हो बार बार एक ही तरह का सवाल आ रहा है तो इस साल भी रिपीट करेगा याद रखना ऑर्गेन ऑफ रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट इंसेक्ट में जो सांस लेते हैं वो कौन से ऑर्गन से लेता है ट्रैकिया से स्पेरिकल से या ए एंड बी दोनों या नन ऑफ दीज बताओ मेरे शेर बच्चे तो ऑर्गन जो है भैया वो होता है आपका स्पैरिकल्स क्या होते हैं स्पैरिकल्स इंसेक्ट में ठीक है नेक्स्ट प्रोबोसिस इज प्रेजेंट इन प्रोबोसिस किस में होता है बटरफ्लाई में बी में या दोनों में या ऑफ दीज में अब बताइए अब बताइए मेरे शेर बच्चे तो प्रोबोसिस क्या है वो भी बताएंगे दोनों में होता है बटरफ्लाई में भी मधुमक्खी में भी दोनों में होता है देखो इंसेक्ट का जो टंग होता है उसको प्रोबोसिस कहते हैं ठीक है अब बटरफ्लाई हो और मधुमक्खी हो जो फूल से रस चुस्ती है वो प्रोबोसिस के माध्यम से ही चुसती है तो उसको प्रोबोसिस बोलेंगे ये देख लो भैया ये मधुमक्खी है और ये देख रहे हो इसी को बोलते हैं प्रोबोसिस इसी को क्या कहते हैं प्रोबोसिस कहते हैं ठीक है ओके सर कोर्स कंप्लीट हो गया भाई कोर्स कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ कहने का मतलब आपको फुल कंटेंट मिलेगा आप कभी भी ज्वाइन करो डेली लाइव क्लास भी होगा तो आपका आप कभी भी एग्जाम से एक हफ्ता पहले भी आप ज्वाइन करोगे ना तो आपको पूरा कंटेंट मिलेगा इसीलिए कहते हैं कि आप बैच ज्वाइन कीजिए और स्टार्ट कीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा हाँ जिससे शक करता है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज फॉल्स इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर जितने भी लिविंग थिंग्स है वो रेस्पिरेशन करता है ऑक्सीजन हेल्प टू बर्न आवर बर्न और ब्रेक डाउन एब्जॉर्ब फूड टू रिलीज एनर्जी ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड ट्स लाइम वाटर मिल्की ठीक है ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आप बताओ इसका सही आंसर मतलब इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है वो बताना है पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, बोल रहा है कि जितने भी लिविंग हैं, वो सभी के सभी रेस्पिरेशन करते है, करते है।, बिल्कुल सही है तो मतलब ये गलत हो गया ऑक्सीजन हेल्प्स टू बन और ब्रेक डाउन एब्जॉर्ब फूड टू रिलीज एनर्जी यानी ऑक्सीजन क्या करता है जो भी एब्जॉर्ब फूड है उसको ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी बनाता है तो यह भी सही स्टेटमेंट है तो यह तो नहीं होगा आंसर कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर को लाइम वाटर को मिल्की में चेंज कर देगा दूधिया कलर का चेंज कर देगा तो ये भी सही है तो ये भी आंसर नहीं होगा अब ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन इज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन यानी के दौरान ऑक्सीजन बनता है नहीं भैया रेस्पिरेशन के दौरान क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और एनर्जी बनता है तो ये वाला गलत स्टेटमेंट है ये वाला गलत स्टेटमेंट है तो डी इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा डी जो है वो सही आंसर है ठीक है मेरे शेर चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रासलैंड एंड डेजर्ट आर डैश हैबिटेड ग्रासलैंड और डेजर्ट कैसा हैबिटेट है एक्वेटिक हैबिटेट है टेरिस्ट्रियल हैबिटेट है बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज देखो कैसा का मतलब है कि क्या पानी वाला हैबिटेट है या फिर जमीन वाला हैबिटेट है तो ग्रास लैंड और डेजर्ट कहां पर आया था जमीन पे तो टेरिस्ट्रियल बोलते हैं जमीन वाले हैबिटेट को तो बी इज द राइट आंसर बी जो है वो सही आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ द एनिमल विच कैन लीव बोथ एंड लैंड एंड वाटर आर नोन एस फिर से रिपीट कर गया क्वेश्चन देख रहे हो कितना फेवरेट क्वेश्चन है वैसा जानवर जो जमीन पे भी रह रहा है पानी में भी रह रहा है उसको क्या कहते हैं एम्फीबियन कहते हैं क्या कहते हैं मेरे शेर बच्चे एम्फीबियन कहते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एनिमल लाइक रैट्स एंड आर रैट और स्क्वायरल को क्या बोलेंगे मैमल हरबी वो रोडेंट या नन ऑफ दीज बताइए आंसर तो एनिमल जैसे चूहा है और गिलहरी है इसको रोडेंट कहते हैं रोडेंट मतलब वो कुछ भी खा लेता है कुछ भी यानी कि ये ज़्यादातर जो है परेशान करने वाला जानवर है आरी बात समझो परेशान इन द सेंस कि घर में रखा चूहा लग गया खराब कर दिया उसी तरीके से अनाज सुखा रहे छत पे गिलहरी आ गई खाना शुरू कर दिया है ना तो ये क्या होता है रोडेंट कहलाता है ये क्या कहलाता है रोडेंट तो परेशान हो जाते हैं किसान वगैरह एनिमल विच स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज आर मतलब वैसा जानवर ज्यादातर ट्रीज पे रहते हैं उसको क्या कहते हैं एक्वेटिक एम्फेबियन एरियल या एरबोरियल बताओ इसका सही आंसर <coughs> बताइए मेरे शेर जो ज्यादातर पेड़ पे रहते हैं जैसे बंदर उसको क्या बोलते हैं एरबोरियल क्या बोलते हैं एरबोरियल ठीक है नेक्स्ट फिश टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर थ्रू फिश जो है वो ऑक्सीजन लेता है किसके माध्यम से लंग्स किडनी गिल्स या नन तो भाई गिल्स के माध्यम से मछली ऑक्सीजन लेता है है ना गिल्स पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन को लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजर्ट एनिमल कौन सा रेगिस्तानी जानवर नहीं है बोला जा रहा है तो कैमल तो है लेजार्ड भी है स्नेक भी है टाइगर नहीं है टाइगर रेगिस्तान में नहीं पाया जाता बच्चा बाकी सब रेगिस्तान में पाया जाता है डेजर्ट में पाया जाता है स्नेक मूव हेल्प ऑफ वही बोला गया है भैया स्नेक जो है वो किसकी मदद से मूव करता है ये सारे आंसर गलत है तो इसका सही आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा किसकी मदद से स्केल की मदद से कौन सा मूवमेंट करता है रिंगलिंग मूवमेंट करता है जिसको क्या बोलते हैं सिलिदरिंग बोलते हैं क्या बोलते हैं सिलिदरिंग बोलते हैं ठीक है इस तरीके का मूवमेंट करता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये देख लो भाई ये प्रोबोसिस ह्यूमन बींग्स आर ह्यूमन बींग्स आर भाई ओमनी वोर्स क्या होते हैं ओमनी ओमनी वोर्स बार बार एक ही तरह का सवाल पूछा जा रहा है ओमनी का मतलब ऑल वोर का मतलब खाना जो सारी चीजों को खा ले उसको क्या बोलेंगे ओमनी वोर एनिमल्स ब्रीथ थ्रू एनिमल्स जो है वो सांस किससे लेंगे लंग्स गिल्स स्किन या ऑल ऑफ दिस तो भाई सभी जानवर फ्रॉग भी जानवर है टाइगर भी जानवर है हम लोग भी हैं तो लंग्स के माध्यम से भी गिल्स के माध्यम से भी स्किन के माध्यम से भी यानी कि ऑल ऑफ दी सारे ही चीजों से वो ब्रीथ करेगा इन तीनों चीजों से फिश मूव विद द हेल्प ऑफ मछली जो है वो मूवमेंट करती है किसकी मदद से गिल्स की मदद से फिंस की मदद से स्केल की मदद से या लिम्स की मदद से भैया लिम्स की मदद से नहीं लिम्स तो होता ही नहीं है स्केल की मदद से नहीं गिल्स की मदद से नहीं फिश का मूवमेंट फिन की मदद से होता है किसकी मदद से फिंस की मदद से बोलोगे सर फिंस क्या होते हैं ये देखो ये देखो ये मछली है ये क्या है भैया ये फिन है ये क्या है ये फिन है ये सब क्या है भाई फिन है तो फिनस की मदद से मछलियां जो है वो मूवमेंट करती है किसकी मदद से फिनस की मदद से ठीक है ओके okay, मेरे शेर बताओ चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बच्चे हाउ मेनी टाइम्स अ मिनट द हार्ट ऑफ हेल्दी पर्सन बीट अब बोला गया कि एक हेल्दी पर्सन का एक मिनट में कितनी बार दिल धड़कता है तो इसका सही आंसर तो हम लोग बोलते हैं बहत्तर बार तो दैट मीन सत्तर से अस्सी सत्तर से अस्सी के बीच में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉलोइंग से कौन सा जानवर अंडा नहीं देता है यानी कि वो ओवीपेरस नहीं देखो जानवर दो तरह के होते हैं एक ओवी पेरस, एक ओवीपेरसर जो अंडे देने वाला होता है उसको ओवी पेरस बोलते हैं जो बच्चे को जन्म देता है डायरेक्टली उसको क्या बोलते हैं विवीप तो इनमें से कौन सा ओवीपेरस नहीं है अंडे देने वाला नहीं है भाई स्नेक भी अंडा देता है मॉस्किटो भी अंडा देता है लिजाड भी अंडा देता है हाथी का अंडा किसी ने देखा है क्या हाथी का अंडा हाथी अंडा देता है क्या नहीं ये जो है वो बच्चे जन्म देता है तो ये वीवी -वी पेरस होंगे क्या होंगे ये वीवी -वी पेरस होंगे एक गाना था भाई ए क्या बोलती तू ए मैं क्या बोलू सुन सुना तो बचपन में रहते थे तो बहुत सारा बच्चा बोलता था हाथी का अंडा ला <laughs> ऐसे तो होता है आती का खंडा ला है <laughs> ना तो हाथी का अंडा नहीं होता है भाई लाएगा कहां से ना तो इसका सही आंसर क्या होगा एलिफेंट ये वीवी वी पेरस होगा नेक्स्ट रैट्स एंड रैबिट लिव इन रैट्स और रैबिट कहा रहते हैं नेस्ट में बोरो में ट्रीज में या हिल्स में तो बोरो में बिल में किस में रहते हैं बिल में ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द हार्ट ऑफ हेल्दी एडल्ट बीट्स फिर वही बात एक हेल्दी पर्सन का दिल कितनी बार धड़केगा भाई सत्तर से अस्सी के बीच में रिपीट कर गया क्वेश्चन देख रहे हो ना कैसे कैसे लोग रहते हैं एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं खत्म भाई साहब खतम डिफरेंट लाइफ स्टाइल इज फिनिश हमने पी पूरा कर लिया मेरे शेर बच्चे मजा आया कि नहीं अगर मजा आया तो आप सभी बच्चों को एक बार बताते कि कमेंट में जाकर के जरूर लिखें कि आज का सेशन कैसा था है ना और एक और चीज हम आपको बता देते हैं जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है चाहते हैं सपना है एमयू में जाने का जामिया में जाने का तो भैया अभी वक्त है अभी ही वक्त है कि आप बैच ज्वाइन कीजिए और यह बैच चैंपियन बैच आप लोगों के लिए ही लाया गया है कि अगर आप अभी ज्वाइन करोगे तो अभी से किस तरीके से तैयारी करोगे तो इस बैच में आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराया जा रहा है साथ ही साथ आपका लाइव प्रैक्टिस सेशन भी हो रहा है रिविजन भी हो रहा है सब कुछ मिल रहा है लेक्चर मिल रहा है नोट्स मिल रहे हैं डीपीपी मिल रहा है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल रहा है हर हफ्ते टेस्ट हो रहा है और लास्ट में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मॉक टेस्ट होगा जिस पैटर्न पर यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम लेती है उसी तरह का टेस्ट लेंगे तो भैया किस चीज का इंतजार है फीस बहुत कम है सिर्फ और सिर्फ जो है वो पंद्रह सौ निन्यानवे यानी कि सोलह सौ कंप्लीट बैच तीन हजार चार हजार होम ट्यूशन को देते हो आप लोग एक महीने का और ये पूरा कोर्स आपको कराया जा रहा है साल भर का कोर्स कराया जा रहा है सिर्फ सोलह सौ रुपया में तो इतना सा कम फीस खर्च करके अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो कोई दिक्कत है नहीं ना फॉर्म निकलेगा जनवरी के लास्ट में एग्जाम होगा मार्च के फर्स्ट वीक में तो जब फॉर्म निकलेगा तो उसका प्राइस आठ सौ नौ सौ रहता है तो आठ सौ नौ सौ खर्च करके फॉर्म तो भर दोगे लेकिन जब सोलह सौ सो रुपया दे करके अगर तैयारी हो रही तो वो नहीं करोगे जिससे सिलेक्शन हो जाए खाली फॉर्म भरोगे और यूनिवर्सिटी वाले को पैसे दोगे ऐसा नहीं कि पैसा वसूले, सोलह सौ सो रुपया खर्च करें बैच ज्वाइन करें और भैया एंट्रेंस एग्जाम दें सिलेक्शन लाए एमयू में झंडा गाड़ के आए जामिया में झंडा गाड़ करके आए है ना चलिए ठीक है मेरे शेर बच्चे अगर मजा आया तो सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कैसा था आज का सेशन तो अगर बैच ज्वाइन करना है तो चैंपियन बैच जो है वो आपको मिल जाएगा एजुकेशन अड्डा प्लस ऐप पर ये ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए कीजिए पेड कोर्स में जाइए पेड कोर्स में क्रैश कोर्स में जाइए और क्रैश कोर्स जैसे ही आप जाओगे तो वहां पे आपको दो बैच दिखेगा एक वॉरियर 2.0 बैच जो नाइन्थ क्लास के लिए है और फिर चैंपियन बैच दिखेगा जो आप लोगों के लिए है तो चैंपियन बैच ज्वाइन कीजिए बहुत मामूली सा फीस में आपको तैयार किया जा रहा है आ रही बात समझ में क्योंकि भाई ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें तीन साल में एक से भी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है और अगला नंबर आप लोगों का है तो आप मेहनत करोगे तैयारी करोगे तभी तो होगा कि ऐसे ही सिर्फ सोचने से हो जाएगा तो एक कदम सफलता की ओर बढ़ाइए तैयारी शुरू कीजिए पढ़ना शुरू कीजिए मेहनत शुरू कीजिए बाकी ऊपर वाला है ही है अगर रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करोगे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करोगे ईमानदारी के साथ पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा चलिए थैंक यू सो मच बच्चा थैंक यू सो मच